आकर मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य वाले काम करे, मनुष्य वाले सारे जो भी धर्म कर्म जो भी हमारे नियम बनते हैं पूरी मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अपने चरित्र में पूरे में कहीं भी भगवान का कोई भी काम या घमंड कुछ भी नहीं आए, सारे काम मानस रूप होकर करे। मानस में भी इतना दुख नहीं आता जितना भगवान राम ने अपने ऊपर लेकर दिखाया, लेकिन ना आत्महत्या करी ना कहीं भागे, सब कष्टों में शांति से जीवन चलाया, परिवार को भी संभाला और उसमें सीख भी दी आने वाले युगों को, आने वाले भक्तों को कि जब दुख आ जाता है तो एक सबसे बड़ी दवाई है जो मनुष्य को दुख में से निकालती है कि जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता, ऐसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख होता है। सदा एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। अगर दुख आया हुआ है तो आप ये सोचो इसके बाद सुख की बारी है, भगवान मुझे पता नहीं कैसा और कौन सा सुख देगी, पर इसके बाद सुख की बारी है। आधा तो दुख वैसे खत्म हो गया, आधा आप भगवान का नाम लेते लेते काम करो तो समय बीत जाएगा, लेकिन जब सुख आ रहा हो तो सावधान रहना क्योंकि सुख के बाद दुख की बारी है, पता नहीं कैसा दुख आ जाए, उठ पाएंगे या नहीं। सुख में हम इतने भूल जाते हैं, राम को भूल जाते हैं, तो सुख में भगवान का नाम ना भूले बोला। दुख में जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं तो शिवलिंग नुआऊ न बात, हमारे तो ईशा दुख आ गया। ये हमारे कर्म की चीज है, वो मिलेगी। बैंक में जितना आपने जमा कर रखा है उतना आपका है ब्याज समेत, नहीं कर रखा लोन ले रखा है तो ब्याज समेत भरोगे, लिया है तो दोगे और जमा कर रखा है तो मिलेगा। तो भगवान के जो भी हम धर्म कर्म कर्म करके अर्पण करते हैं परमात्मा को, आरती करते हैं, तन मन धन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो अगर कुछ धर्म कर्म अर्पण कर रखे हैं तो वो क्या करेंगे, वो आपको देंगे, ब्याज समेत देंगे। तो अब जो है भगवान राम जी ने कहा कि आप सब भगत, यहाँ किसी को कोई दुख नहीं है, इस गेट के अंदर जितने बैठे हैं कोई दिक्कत है, हवा चल रही है, नीचे आसन मिल रहा है, शांति से भगवान की कथा सुन रहे, तो वो कह रहे हैं सबसे पहले अपने मन जो इधर उधर न मन डोलता है, कौन के पैर रहे कौन के बोल रहे हैं, सब का झंझट छोड़ के और मन को शांत कर लो के दही कब जमती है, जब हम दूध को जमन लगा कर छोड़ दिया, हिलाते रहोगे तो दही नहीं जमेगी, दही जब जमती है जब छोड़ देते हैं, हिलाना बंद कर देते हैं, और फिर वो ही दूध कितना रूप लेता है, माखन भी उसी में है, दही भी उसी में है, सीत भी उसी में, और उनसे आप कितना सारा खाना बनाते हो, कभी कढ़ी बना रहे हो, कभी राबड़ी बना रहे हो, कभी आप कुछ नए नए पकवान बना रहे हो। तो जब मन शांत हो जाता है तो यही भगवान का नाम बहुत सारे पापों का नाश करता है और सद्बुद्धि देता है। लेकिन अगर हम शांत मन नहीं रहेगा, इधर उधर डोलते रहेंगे, वो क्या कह रही है, वो क्या पहन रही है, वो कैसे सुन रही है, तो मन जो है वो इधर उधर डोलेगा तो दही जम ही नहीं सकती, इस राम के नाम में से कुछ मिलेगा ही। एक कान से सुना, उठेंगे तो जब झड़काते हैं ना कपड़े सब झड़ गए। तो कहता है कि आप शांत हो जाओ, भगवान के नाम में इतने मगन हो जाओ कि आपको भगवान जो है वो परम शांति का दान दे के जाए। सारे भगवानों के ऐसे हाथ हैं, सारे बड़ा किसी का भी ऐसे नहीं, सबके हाथ ऐसे हैं। कहीं भी मंदिरों में तस्वीरों में देखा होगा, भगवान कहते हैं तथास्तु, जैसी तेरी भावना वही मैं बढ़ोतरी हूँ। तो अच्छी भावना रखो, अच्छा काम करवाना है, भगवान कहेंगे तथास्तु। अगर हम यहाँ पर कुछ भी उल्ट पुलट सोचेंगे तो वो ऐसा ही आशीर्वाद मिलेगा, बोला इसी चुगली चाटी में बढ़ोतरी हूँ। तो कहीं भी मंदिर में तीर्थ पर जाते हो मन शांत होना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं सुंदरकांड में जो तुलसीदास जी ने लिखी हुई है।
के भगवान खुद राम जी यानी विष्णु भगवान त्रेता युग में राम अवतार लेकर आए और मानस रूप होकर कितनी लीलाएं करी मनुष्य को समझाने के लिए। तो वो कहता है, हे राम कहलाने वाले जगदीश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपके चरणों में बैठकर आपके नाम की कथा में ध्यान लगाऊंगा, आप मुझ पर कृपा करो। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा में हो, आप सब जानते हो, आपकी कथा के सिवा मेरे मन में कोई भी दूसरी बात नहीं है और मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे जितने भी रोग दोष हैं उनको दूर कीजिए। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी सुंदरकांड में चलते हैं कि एक बार जब हनुमान जी राम जी से कहाँ मिले, कैसे मिले, के सूर्य भगवान के दो पुत्र थे, एक बाली और दूसरा सुग्रीव। दोनों भाई बड़े ही बलवान थे। दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई होगी, कैसे हुई, बड़ा प्यार था, लेकिन लड़ाई कहाँ से शुरू होती। देखो आपके घर में दुख आता है तो ऐसे ही नहीं आ जाता, आवाज देकर आता है। कैसे आवाज देता है, हम सो रहे हैं एकदम आवाज आई, पूछी ने आवाज लगाई, हम बोल हाँ, बोला तो रात है, कौन बोल लेता हूँ। अगर आपने कह दी हाँ तो दुख का बुलावा आ गया, संकेत मिल जाते हैं दुख और सुख आने के, सपने आने शुरू हो जाते हैं। अगर अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं